तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम श्री परमात्मने नमः, मंगल मूर्ते नमः, श्री गणेशाय नमः। तो आठौ जथा अल्लाभ संतोषा, असपनेहु नहीं देखहिं पर दोषा। यानी जे भगवान के भक्ति में चल रहा बा, ओकरे बदे आठवा भक्ति है बा कि जितना लाभ हो जाए उतने में संतोष करो और सपने में भी दोष मत देखो दूसरे के। ठीक कहे महाराज, वो तो सातवां के बाद ही अठवां भक्ति बा, अठवां के बाद नौवां, सबके साथ छलहीन होना है ना। तो नौ के बाद जब तुम्हार भक्ति पूर्ण होएगा तो के ब्रह्मलोक तक के कोनो वस्तु से कोनो सरोकार नहीं रहेगा, है ना। जैसे यहाँ से लोग कहले ना, अरे यार वो बाबा जी बड़ा गौरजो लेन, बड़ा जो है दूसरे के दोष कौरा लेन, ठीक नहीं है ना। तो यह काम भगवान कृष्ण जी करें, यानी जो अर्जुन जी का निश्चय है, जो मान्यता है, उनकी मान्यता यही है ना कि हम युद्ध ना करा, उस मान्यता में दोष दिखलाते हैं। उस मान्यता में दोष दिखला रहे हैं। उल्टे पुल्टा बोल गए, ठीक ना। तुम कौन होते हो युद्ध करने और ना करने वाले? वो तो तुम्हारी जो प्रकृति है वो तो तुमको खींच कराएगी ही कराएगी, ठीक ना। देखिए भगवान क्या कहते हैं कि यदहंकारमयाश्रित्य नायोत्सयति मन्यसे अमितैः व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वामनियोच्छयति। अर्थात जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा दे। यह कम युद्ध चलता नहीं लेकिन ये युद्ध अलग प्रकार का बा, ये डंडा गोजी वाला नहीं बा। लेकिन देखो जवन बाड़ी दे कुल चरित्र अनुभव में हो गए चाहिए, तो ऐसे ही हो जाए, युद्ध न करवे अपने आप कंट्रोल हो जाए या ने? तो ध्यान दे, पहले भगवान के द्वारा युद्ध करने की आज्ञा दी जाने पर तो
तो भगवान कह रहे हैं दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में ही अर्जुन को आज्ञा दिए थे युद्ध के लिए, है ना? तो अर्जुन जी बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कहें कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसी बात को स्मरण कराते हुए भगवान यहां उपर्युक्त वाक्य कहे हैं। अभिप्राय यह है कि तुम जो यह मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारा यह मानना केवल अहंकार मात्र है। युद्ध न करना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। अतएव इस प्रकार अज्ञान जनित अहंकार के वशीभूत होकर अपने को पंडित, समर्थ और स्वतंत्र समझना एवं उसके बल पर यह निश्चय कर लेना कि अमुक कार्य मैं इस प्रकार सिद्ध कर लूंगा और अमुक कार्य नहीं करूंगा, बहुत ही अनुचित है। क्योंकि कुछ भी हाथ में नहीं है, ईश्वर जो चाहेंगे वही होना और भगवान कहते हैं कि तेरा यह निश्चय मिथ्या है, यानी यह मान्यता टिकने वाली नहीं है। अर्थात तुम बिना युद्ध किए रह न सकोगे, क्योंकि तुम स्वतंत्र नहीं हो, प्रकृति के अधीन हो। प्रकृति माने स्वभाव। देखो बहुत कमवा नहीं चाहता कि करे बोले तब्बो करो बदागे ने। स्वभाव जानत है जौन जन्म जन्मांतर में कर्म संस्कार रहला, उहे स्वभाव उत्पन्न करला, वही के बसीभूत सब जने बयान यह ने। तो इस प्रकार स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य का भिन्न भिन्न कर्मों के अधिकारी समुदाय में जन्म होता है। बताया ना, जिसन कर्म कर ले तो मल्लाहन है, माने निषाद कुल में जन्म हुआ, और उस स्वभाव के अनुसार ही भिन्न भिन्न मनुष्यों की भिन्न भिन्न कर्मों में प्रवृत्ति हुआ करती है। अतएव यहां उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस स्वभाव के कारण तुम्हारा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, वह स्वभाव तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी तुमको जबरदस्ती युद्ध में प्रवृत्त करा देगा। योग्यता प्राप्त होने पर वीरता पूर्वक युद्ध करना, युद्ध से डरना या भागना नहीं, यह तुम्हारा सहज कर्म है, यानी स्वाभाविक कर्म है क्षत्रियों का, डरना या भागना नहीं। अतएव तुम इसे किए बिना रह नहीं सकोगे, तुमको युद्ध अवश्य करना पड़ेगा। यहां क्षत्रिय के नाते
अर्जुन जी को युद्ध के विषय में जो बात कही है वही बात अन्य वर्ण वालों को अपने अपने स्वाभाविक कर्मों के विषय में समझ लेना चाहिए। जनन है तो भगवान कहते हैं कि स्वभाव जेना कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा अकर्तुम नेच्छसि यन मोहात् करिष्यस्य वा सोऽपि तत। अर्थात हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं चाहता, यानी मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। जनन है देखे परवस्तवा ने का कोई कही अगर छोड़ के चल जाम नान नान लड़का ते इबाग नहीं परवस्ता। अगर परवस्ता न होता अपन इतना मेहनत करे की जरूरत रहा तो वह कहते हैं कि स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ये ने यानी जो शूरवीर होते हैं उनसे युद्ध किए बिना नहीं रहा जा सकता। जहाँ न्याय इसे तुझे देखा तो कहीं ऐसा उचित अनुचित देखा ले तो जहाँ न्याय वाली बात रहला वहां नहीं खड़ा हो जाते है। कहला ना देखा तू गलत करता है, कहला कि नहीं निषाद राज जी तू कर ले जहाँ गलती सही देखा ले तो जो सही रहला ओकरे साथे खड़ा हो जाले पहले होत रहले। तो भगवान कहते हैं कि जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, अर्थात तुम क्षत्रिय हो, न्याय युक्त युद्ध करना तुम्हारा स्वाभाविक धर्म है, अतएव वह तुम्हारे लिए पाप कर्म नहीं है। जो स्वाभाविक धर्म होता है वह पाप कर्म नहीं होता, इसलिए उसे न करने की इच्छा करना किसी प्रकार भी उचित नहीं। इस पर भी जो तुम न्याय से प्राप्त युद्ध रूप सहज कर्म को करना नहीं चाहते हो, इसमें केवल मात्र तुम्हारा अविवेक ही हेतु है, दूसरा कोई युक्ति युक्त कारण नहीं है। जाने युद्ध करना तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है, इस कारण तुम उससे बंधे हुए हो, अर्थात उससे तुम्हारा घनिष्ठ संबंध है, इसलिए तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी वह तुमको बलात् अपनी ओर आकर्षित कर ही लेगा। जनन है और तुम्हें अपने स्वभाव के बस में होकर उसे करना ही पड़ेगा, इसलिए
यदि मेरी आज्ञा के अनुसार उसे करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो राग द्वेष के जाल में फंसकर जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में गोते लगाते रहोगे। बताया ना, राग द्वेष रखबे तो संसार सागर से मुक्ति। अब राग द्वेष बचाबा वहीं। बोले मर्दवा, तुझे कोई बात कहे के पड़ी का? अब वहीं बा। अरे यार गणेश जी है ना यार, अब वहीं भी तोरे राग द्वेष बा मर्दवा। तो कहो गणेश जी, जब इतना 18 महीना से रगड़ होता तब वो बात अब बहरे वाले के कैसे सोचबे इतना जल्दी खत्म हो जाई? अरे यार 2025 तक सतयुग का स्थापना नहीं करेंगे बागा है? देखे भगवान तो कहता है कि नहीं तो राग द्वेष के जाल में फंस कर जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में गोते लगाते रहो। गणेश जी निकले के बाद ये जन्म में कि नहीं? अब देखो महाराज कि निकलना बा पक्का। देख वह का जोन को रह गया मर्दवा। अब वह दीर्घ सूत्री वाला चक्कर ही तो ना कर बे। देखे के समझो, खाली सोच का तरीका बदले के बाहू का। जिस प्रकार नदी के प्रवाह में बहता हुआ मनुष्य उस प्रवाह का सामना करके नदी के पार नहीं जा सकता, नहीं, अगर उकरे विपरीत पौड़बे तो बुढ़ जीवन है। मेहनत लगी लेकिन जब थक जाइबे तो बुढ़ न जीवे, जब थक जाइबे तब का विपरीत जब चलबे तो थक न जीवे। ध्यान दे, भगवान कह रहे हैं कि उस प्रवाह का सामना करके नदी के पार नहीं जा सकता, वरम अपना नाश कर लेता है, यानी डूब के मर जाता है। और जो किसी नौका या काठ का आश्रय लेकर या तैरने की कला से जल के ऊपर तैरता रहकर उस प्रवाह के अनुकूल चलता है, वह किनारे लगकर उसको पार कर जाता नहीं? उसी प्रकार प्रकृति के प्रवाह में पड़ा हुआ जो मनुष्य प्रकृति का सामना करता है, यानी हठ से कर्तव्य कर्मों का त्याग करता है, यानी वह प्रकृति से पार नहीं हो सकता, वरम उसमें अधिक फंसता जाता है। और जो परमेश्वर का या कर्म योग का आश्रय लेकर ज्ञान मार्ग के अनुसार जिसे देख लाई थी ना, अपने को प्रकृति से ऊपर उठाकर प्रकृति के अनुकूल कर्म करता रहता है, वह कर्म बंधन से मुक्त होकर प्रकृति के पार चला जाता है।
अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता, बिना योग के संभव नहीं बा, यानी कि मोह के वृक्ष उखाड़ दे। यह ने तो पूर्व श्लोक में कर्म करने में मनुष्य को स्वभाव के अधीन बतलाया गया। इस पर यह शंका हो सकती है कि प्रकृति या स्वभाव जड़ है, वह किसी को अपने बस में कैसे कर सकता है। प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ कैसे दूसरे के अपने बस में कह सकला। तो इस पर भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम अहि देशे अर्जुन तिष्ठति अभ्रामयं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। उनके ऊपर कोनो प्रभाव पड़े वाला नहीं बा, लेकिन जब तक उनके शरण में न जीवे तब तक जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिले वाला ठीक ना। तो शरीर खाली एक यंत्र है यार, उपकरण, उपकरण जनल है, जोने से कोनो काम ले ले। तो यहाँ शरीर को यंत्र का रूपक देकर भगवान श्री कृष्ण जी यह भाव दिखलाए हैं कि जैसे रेलगाड़ी आदि किन्हीं यंत्रों पर बैठा हुआ मनुष्य स्वयं नहीं चलता, रेलगाड़ी चलती है लेकिन मनुष्य स्वयं क्यों भी चलता रेलगाड़ी में, वो तो रेलगाड़ी चलती है, तो भी रेलगाड़ी आदि यंत्र के चलने से उसका चलना हो जाता है। नहीं, वो अपने सीट पे बैठा रही तब वो होकर चलना होगा। डगमगपुर से वो मिर्जापुर पहुंच गया सीसीएम से, नहीं, जबकि वो चलत नहीं, रेलगाड़ी चलाला नहीं। उसी प्रकार यद्यपि आत्मा निश्चल है, वह कहीं आता जाता नहीं, उसका किसी क्रिया से वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं है, तो भी अनादि सिद्ध अविद्या के अज्ञान के कारण उसका शरीर से संबंध होने से उस शरीर की क्रिया उसकी क्रिया मानी जाती है। नहीं कल ना किए नहीं तो करे न, जबकि आत्मा करता नहीं। परमात्मा को सब भूतों के हृदय में स्थित बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि
कि यंत्र को चलाने वाला प्रेरक जैसे स्वयं भी उस यंत्र में रहता है। नहीं, रेलगाड़ी के ड्राइवर नहीं रहते रेल में, रहता है। उसी प्रकार ईश्वर भी समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है। नहीं, बिना उनके ही चलत नहीं, विभु माने सबके हृदय में स्थित, और उनके हृदय में स्थित रहते हुए ही उनके कर्मानुसार उनको भ्रमण कराते रहते हैं। ये न, इसलिए ईश्वर के किसी भी विधान में जरा भी भूल नहीं हो सकती, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ परमेश्वर उनके समस्त कर्मों को भली भांति जानते हैं। जौन करल है भगवान से कोनो छुपा नहीं बा उसका, जाने ना भाई। आसक्ति लगा रही कहबे कि हमारा आसक्ति नहीं बा, भगवान से छुपी बे कि झूठ बोलता है, यहाँ झूठ बोलता है। तो शरीर रूप यंत्र में स्थित समस्त प्राणियों का वाचक यहाँ यंत्रारूढ़ानी विशेषण के सहित भूतानी पद है, तथा उन सबको उनके पूर्वार्जित कर्म संस्कारों के अनुसार फल भुगताने के लिए बार बार नाना योनियों में उत्पन्न करना तथा भिन्न भिन्न पदार्थों से, क्रियाओं से और प्राणियों से उनका संयोग वियोग कराना और उनके स्वभाव यानी प्रकृति के अनुसार उन्हें पुनः चेष्टा करने में लगाना। जिसे देखो ये भगवान के कृपा से मिलता है, फिर भगवान के पावे में साधना में लगवे नहीं, यही भगवान का उन प्राणियों को अपनी माया द्वारा भ्रमण कराना है। ठीक ना? तो कर्म करने और न करने में मनुष्य परतंत्र है। मनुष्य क्योंकि जैसा स्वभाव रहेगा नहीं देखा सब बतिया तो जानता है, निष्काम सेवा, निष्काम भजन, परम धाम नहीं, लेकिन हो पावा था तो कहीं ना कहीं पर बसता बन है। ठीक, इसलिए यह कहा गया है कि कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य का जो कर्म करने में अधिकार बतलाया गया है उसका अभिप्राय भी उसको स्वतंत्र बतलाना नहीं है, बल्कि परतंत्र बतलाना ही है, क्योंकि उससे कर्मों के त्याग में असक्यता सूचित की गई है।
अब रह गया यह प्रश्न कि मनुष्य किसके अधीन होकर कार्य करता है। तो इसके संबंध में यह बात है कि मनुष्य को प्रकृति के अधीन बतलाना, स्वभाव के अधीन बतलाना और ईश्वर के अधीन बतलाना, ये तीनों बातें एक ही है। जैसन प्रेरणा मिला वैसा मनुष्य कर्म किया, यह ने। अब आप लोगन के भगवत भाव बात, अब आप लोगन के प्रेरणा अलग होएगा। जे नहीं आओ तो भाई हाँ वो अपने हाथ में बाने बाकी हम ही सही आई, यह ने। क्योंकि स्वभाव और प्रकृति तो पर्यावाची शब्द हैं और ईश्वर स्वयं निरपेक्ष भाव से अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते हुए ही उन जीवों की प्रकृति के अनुरूप अपनी माया शक्ति के द्वारा उनको कर्मों में नियुक्त करते हैं। इसलिए ईश्वर के अधीन बतलाना प्रकृति के ही अधीन बतलाना है। दूसरे पक्ष में ईश्वर ही प्रकृति के स्वामी यानी प्रेरक है। इस कारण प्रकृति के अधीन बतलाना भी ईश्वर के ही अधीन बतलाना। अब यही भाव देखो बा भाई कि जौन शास्त्र आज्ञा बा वह कर्म निष्काम भाव से करत जा, यह न। क्योंकि यदि मनुष्य सर्वथा ही परतंत्र है तो फिर उसके उद्धार होने का क्या उपाय है? कोनो उपाय हुए जी ने? और उसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले शास्त्रों की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर यह है कि कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले शास्त्र मनुष्य को उसके स्वाभाविक कर्मों से हटाने के लिए या उससे स्वभाव विरुद्ध कर्म करवाने के लिए नहीं है, किंतु उन कर्मों के करने में जो राग द्वेष के बस में होकर वह अन्याय कर लेता है। राग द्वेष के बस में रहता तो अन्यायपूर्ण कार्य होई, उस अन्याय का त्याग कराकर उसे न्याय पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगाने के लिए है, यह ना गणेश जी। इसलिए मनुष्य कर्म करने में स्वभाव के परतंत्र होते हुए भी उस स्वभाव का सुधार करने में परतंत्र नहीं है। तो जय भाई, अब पहले के जो स्वभाव रहा अब बदला तो उनमें आदमी अधीन अपन स्वभाव आदमी बदल सकला, एमे परतंत्रता ठीक है। अतएव यदि वह शास्त्र और महापुरुषों के उपदेश से सचेत होकर प्रकृति के प्रेरक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले और राग द्वेष आदि विकारों का त्याग करके शास्त्र विधि के अनुसार न्याय पूर्वक अपने वर्ण धर्म आश्रम के स्वाभाविक कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ
अपना जीवन बिताने लगे तो उसका उद्धार हो जाता। ठीक, उद्धार का मार्ग बा, उद्धार यानी परमात्मा में मन विलीन होएगा और जन्म मरण के चक्र से मन छूट गया। ठीक, तो उपर्युक्त श्लोक में यह बात सिद्ध की गई कि मनुष्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करने में स्वतंत्र नहीं है। ठीक ना, उसे अपने स्वभाव के बस होकर स्वाभाविक कर्मों में प्रवृत्त होना ही पड़ता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्यामी परमेश्वर स्वयं सब प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उनकी प्रकृति के अनुसार उनको भ्रमण कराते हैं और उनकी प्रेरणा का प्रतिवाद करना मनुष्य के लिए अशक्य है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसी ही बात है तो फिर कर्म बंधन से छूटकर परम शांति लाभ करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो भैया, परम शांति लाभ करने के लिए भगवान अब अगले प्रसंग में मार्ग बतलाएंगे, क्योंकि अब यह नया प्रसंग हो जाएगा। ठीक ना, तो यह निश्चित हो गया कि जो भी निर्णय अहंता ममता कामना के वशीभूत होकर लोग लेते हैं वह मिथ्या ही निर्णय होता है। ये ने तो आज इसी वाणी के साथ बोलिए कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अहर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भगवान परम दयालु है, जो मार्ग दिए हैं उसी मार्ग पर निष्काम भाव से कर्म करते हुए और समस्त कर्मों को समस्त फलों को भगवान को अर्पण करते हुए जो जीवन की नैया लेकर चलेगा वह अवश्य परम धाम को प्राप्त हो जाएगा।